नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ गोपाल। हमारा किचन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं दबेली। तो रेस्टोरेंट स्टाइल पे दबेली आप लोग अपना घर में कैसे बनाएंगे अब हम दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। दबेली बनाने के लिए चार थिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नंबर वन ग्रीन चटनी, नंबर टू स्वीट चटनी, नंबर थ्री चिल्ली और गार्लिक की चटनी, नंबर फोर दबेली मसाला, नंबर फिफ्थ पोटैटो मसाला। और उसके बाद हम ब्रेड को कैसे ग्रिल करेंगे वो दिखाएंगे। अब हम दबेली के लिए बनाते हैं ग्रीन चटनी। दोस्तों मिंट चटनी के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर मिंट को अच्छे से चॉप कर लिया है। यह है मिंट चॉप, कोरिएंडर चॉप, रॉ मैंगो, आइस, दही, गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, ऑल जीरा सीड और ये देख रहे हैं जिंजर। तो मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स रख लिया यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम इसको बनाते हैं मिंट का चटनी। और हमारा सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार है। अब हम ये सारे चीज को मिला के इसको अच्छा से फाइन पेस्ट करेंगे। तो देख रहे ये जार, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दही और दो आइस कूप ऐड करेंगे धनिया, पुदीना, रॉ मैंगो, जिंजर, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक और जीरा सीड। अब हम इसको अच्छा से फाइनली पेस्ट बना लेंगे। तो अब ऐड करेंगे नमक और दोस्तों ये देख रहे ब्लैक सॉल्ट है। ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अब ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। और इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों देख रहे हमारा ये ग्रीन चटनी रेडी हो गया। बहुत ही मस्त का हरा हरा चटनी है। आप लोग सेम ऐसे ही चटनी बनाए अपना घर में। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे स्वीट चटनी की रेसिपी। इसमें स्वीट चटनी कैसे बनाते हैं अब हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये देख रहे सबसे पहले हम ये है टैमरिन, इसको अच्छा सा पानी में एक घंटा के लिए अच्छा सा सोक कर लेते हैं। तब जब इसका जब पल्प होगा वो बहुत ही अच्छा पल्प निकलेगा। जांगली को भी अच्छा सा पानी में भिगो देंगे। तो बर्तन में ऐड करेंगे तड़के के लिए ऑयल। तो अब हम यूज करेंगे तड़के के लिए ये देख रहे ड्राई रेड चिल्ली, जीरा सीड, सोम, सिनेमन स्टिक, होल कोरिएंडर और बे लीफ्स। तो ये सारे खड़े मसाला अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट ऐड करेंगे ये देख रहे ग्रीन चिल्ली चॉप। नेक्स्ट ऐड करेंगे जिंजर चॉप और इसको अच्छे से टॉस करेंगे। फिर हमारा तड़का रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं ये देख रहे टैमरिन पल्प, आप लोग दिखाया था मैंने भिगा के रखा था। अब हम इसे ऐड करेंगे और देख रहे इसका साथ में ऐड करेंगे ये है जागरी का पानी, मैंने जो भिगा के रखा है गुड़ उसको ऐड कर देंगे। तो देख रहे इसको उबालने आ गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये देख रहे सॉल्ट, आपको स्वादिष्ट अनुसार जितना सॉल्ट चाहिए उस हिसाब से ऐड कर लीजिए, चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा सोम फेनल सीड पाउडर और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा ये देख रहे शुगर। ऑलरेडी मैंने जागरी यूज किया है तो फिर भी और थोड़ा मिठास के लिए ऐड करेंगे शुगर और आप ऐड करेंगे 1 स्पून आमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर। तो इसको आधा घंटे के लिए हमने उबालने छोड़ देंगे। तो आधा घंटे के बाद दोस्तों देख रहे हमारा ये चटनी रेडी हो चुका है। अब हम इसको अच्छा से स्ट्रेन कर देंगे।
रेड चिल्ली और गार्लिक चटनी के लिए देख रहे हैं, मैंने रेड चिल्ली को अच्छे से बॉइल कर लिया है। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा जीरा सीड और अब ऐड करेंगे ये गार्लिक। तो दोस्तों देख रहे हैं अब हम बना रहे हैं चिल्ली चटनी। तो ये देख रहे हैं चिल्ली को अच्छे से बॉइल कर लिया है और इसको ऐड करते हैं मिक्सी में जीरा और गार्लिक का तड़का, थोड़ा सा लेमन का जूस और थोड़ा कश्मीरी चिल्ली पाउडर और अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा रोस्टेड पीनट। करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, अब हम इसको अच्छा सा पेस्ट कर लेंगे फाइन। अब हम नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं दाबेली के लिए मसाला पाउडर। तो दोस्तों दाबेली की मसाला के लिए अब हम मसाला को टॉस कर लेते हैं, तो यूज करेंगे देख रहे सोम, जीरा सीड, होल कोरिएंडर सीड, ब्लैक पेपर, इलायची, बेली, सिनेमन स्टिक, डार्क फ्लावर, बड़ी इलायची, ड्राई जिंजर। अब ऐड करेंगे यह डेसिग्नेट कोकोनट माने ड्राई कोकोनट पाउडर। अब ऐड करेंगे ड्राई रेड चिल्ली और नेक्स्ट ऐड करेंगे व्हाइट किशमिश सीड। तो दोस्तों ये सारे मसाला को अब हम अच्छा से इसको भून के पाउडर बनाएंगे। तो आप लोग थोड़ा फ्लेम को अच्छा सा स्लो करके इसको अच्छा से भून लीजिए। हमारा ये मसाला कोल्ड हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे देख रहे सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, आमचूर पाउडर और ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और अब हम इसको अच्छा से पाउडर बना लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं ये जो दाबेली का जो मसाला है, अब हम इस मसाला को अच्छा से पाउडर कर देंगे मिक्सी में। दाबेली का पाउडर रेडी हो चुका है। सबसे पहले लेंगे ये देख रहे पीनट, रोस्टेड पीनट है। अब हम इस पीनट को थोड़ा अच्छा से लाइटली क्रश का जैसा कर लेंगे, देख रहे कैसे मैंने कर रहा हूँ आपको, थोड़ा ये लाइटली क्रश का जैसा कर लेंगे। पीनट ऑलरेडी लाइटली क्रश कर लिया मैंने, अब इसको मसाला डाल के पैन में थोड़ा टॉस कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऐड करेंगे ये है घी, हमारा ये घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करते हैं ये देखिए पीनट और इसे अच्छा से क्रश कर लेंगे। हमारा पीनट टॉस हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड करेंगे 1 स्पून दाबेली पाउडर और इसे अच्छा से हमें टॉस कर लेना। तो आप लोग देख रहे हैं ये घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे और नेक्स्ट ऐड करेंगे जिंजर चॉप, नेक्स्ट ऐड करेंगे देख रहे ग्रीन चिल्ली चॉप, आपको अच्छा सा ये सारे ठीक अच्छा सा नाइसली चॉप कर लेना है। अब हम इसको अच्छा से ब्राउन कर लेंगे। दोस्तों ये देख रहे हमारा ऑनियन जिंजर ग्रीन चिल्ली ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करते हैं यह है मैश पोटैटो, अब इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे ये देख रहे दाबेली मसाला पाउडर, यह है टैमरिन चटनी और दोस्तों इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। Thank you.
तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा ये आलू मसाला रेडी हो चुका है। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा ये दाबेली का मसाला रेडी हो गया। अब हम एक डिश में इसको अच्छा से ट्रांसफर कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम इसका ऊपर ऐड कर देते हैं ये देख रहे थोड़ा सा दाबेली मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये है पीनट। करेंगे इसका ऊपर थोड़ा सा प्रोमोग्रेनेट। आपको प्रोमोग्रेनेट को अच्छा से स्मेल कर देना है। और अब ऐड करेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों दाबेली बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ये है बन ब्रेड है और इसको ऐसा काट लेंगे। आपको ध्यान रखना है ब्रेड पूरा नहीं काटना है, ब्रेड को आधा कटिंग करना है। देख रहे कैसे मैंने इसको आधा कटिंग कर लिया है, आपको सेम ऐसे ही आधा कटिंग करना है। मैंने ब्रेड कटिंग कर लिया है, अब इसका अंदर लगाएंगे। मैंने बनाया 3 वेराइटी ऑफ चटनी, तो 3 वेराइटी ऑफ चटनी लगा देंगे इसका। आप लोग 2 किस्म का चटनी भी बना सकते हैं, तो मैंने बनाया 3 किस्म का चटनी, तो इसमें हम 3 चटनी इसमें अप्लाई कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो ये देखें पहला हम इसमें अप्लाई कर लेंगे थोड़ा सा स्वीट चटनी नीचे डाउन पार्ट पे। अप्लाई कर लेंगे इसमें मिंट चटनी, जो हरा चटनी होता है वो मिंट चटनी इसमें अप्लाई कर लेंगे। ये है थोड़ा सा रेड चटनी, बहुत ही स्पाइसी होता है रेड चटनी, तो अब ये रेड चटनी भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये मसाला है, इसको हमें पैटी बनाना है। तो आपको थोड़ा सा मसाला लेना है और इसको ऐसा सेम पैटी बनाना है। यह हमारा मीडियम हल्का सा गर्म है ये दाबेली मसाला, जो पोटैटो का मसाला मैंने इसमें प्रोमोग्रेनेट पीनट सब कुछ ऐड किया है। तो अब हम इसका बीच पे रख लेंगे ऐसे थोड़ा सा प्रोमोग्रेनेट सीड, थोड़ा सा मसाला नेट करेंगे, थोड़ा सा ऑनियन चॉप ऐड करेंगे, थोड़ा सा टोमेटो चॉप टर्म लीव्स को अच्छा से कवर, इसको अच्छा से कवर कर लेंगे। और अभी इसको बटर डाल के तावा में ग्रिल करेंगे। अब हम इसमें ऐड करते हैं बटर, तब से इसको अच्छा से ग्रिल कर लेंगे। ब्रेड अच्छा से बटर डाल के ग्रिल कर लिया मैंने। और इस पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा सेव, आप लोग चाहे तो अंदर से भी ऐड कर सकते हैं सेव। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा दाबेली रेडी हो चुका है। अब आप इसको स्वीट चटनी, चिल्ली चटनी, मिंट चटनी का साथ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा दाबेली का लुक कैसा है। मैं चाहूंगा आप लोग सिर्फ ऐसा ही रेसिपी फॉलो करके अपना घर में बहुत ही इजी तरीके से दाबेली बना के एंजॉय कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें। मैं हूं गोपाल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया खाने के साथ। थैंक यू।